गोविंद शुभ मत पर कासक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मना बहो बहादुर परम कृपाला सतगुर परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह बिसाला तरों तरा पर पुन पुन सी साजी पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए दोहरा इमकेरा बड पर रेओ लरे खालसा जाए एक दिन त्यारी प्रभ करी बड रण जीत बजाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सम्मान योग गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संग जियो जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे वडभागी हो के नेता प्रति तिलक ते जंजू दे राखे सतगुरु वैराग और त्याग दी मूर्त सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के अपने जीवन दियां कुछ कीमती घड़ियां और दुर्लभ स्वास गुरु लेखे ला के सफला और सकारथा करते दयानिध कलगीधर पातशाह जी महाराज खालसे पंथ नूं रहणी बहणी दसदे हन मर्यादा दृढ़ कराउंदे हन। सिख नाल घटना घटी है ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਥੋਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। पर जदों मनों कोई कबूल कर लेंदा तो फिर वो अपना धर्म छड़ देंदा। उदे वास्ते कुछ दृष्टांत उदाहरणा वो कलगीधर स्वामी जी ने दित्तियां जिहड़ियां आपां कल दी कथा च विचारियां। आओ कुछ समय लई
सुरतियां बिरतियां गुरु पातशाह दे चरणां नाल जोड़िए, गुरदेव दी पावन अमृतमई कथा सरवण करिए। गुरु पातशाह दी कथा अमृत कथा है। हमारी प्यारी अमृत तारी, ये अमृत कथा है गुरु पातशाह दी, जिसनू सरवण कीते हैं मन की एकाग्रता बनती है, बहुतियां दे हिरदियां विच सवाल हुंदा है जी साडा मन नहीं टिकदा की करिए, मन एकाग्र नहीं हुंदा की करिए। उहदे लई सब तो वधिया ते सरल साधन ते तरीका है सतगुरां दी कथा सुनो। जदों महाराज जी की कथा सुनते हाँ तो मन एकाग्र होना शुरू होता है, मन की एकाग्रता बनती है। जिन्ना समा भी आप बैठते हाँ घटो घट कुछ समा तो एकाग्र हो के गुरु पातशाह जी की कथा सुनद बतीत होंगे, और एकाग्रता मन की एकाग्रता का बड़ा वधिया तरीका है, ये साधन है जिहड़ा गुरु साहब ने सानू बख्शिया। गुर इतिहास की कथा की जिहड़ी परंपरा है, मर्यादा है, शाम वेले आ जिहड़े समय आपां बैठे हैं इस वेले गुरु साहब के इतिहास की कथा होनी, स्रोतियां वालों कथा सरवण करन दी जिहड़ी मर्यादा है, ये अज की नहीं चली, श्री गुरु अंगद देव साहब जी के समय चली। गुरु अंगद पातशाह जी के दरबार में भाई साहब भाई बाला जी गुरु नानक पातशाह जी की कथा सुनाया करते सी। तो इस तरह यह मर्यादा गुरु काल तो चलती आई है। अमृत वेले गुरु साहब की बाणी की कथा, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की कथा, शाम को गुरु इतिहास की कथा। पहला जन्म साखियां की कथा होंदी सी, सो साखी की कथा होंदी सी। जदों भाई साहब जी ने गुरप्रताप लिखिया तकरीबन पौने 200 साल हो गए, उस दिन तो बाद फिर गुरप्रताप की कथा की मर्यादा साढ़े बजुर्गों ने शुरू की थी। ये बड़ा वधिया साधन है, जिस साधन द्वारा साढ़े मन की एकाग्रता होंदी है। और गुरु पातशाह जी की कथा सुन के रोग सोग मिटदे हन, रोगां ते सोगां दी निर्विरति करन दा बड़ा वधिया जरिया ते तरीका है गुरु कथा। इहदे द्वारा मन दीआं परेशानियां दुख वह गुरु पातशाह जी की कथा सुनदिआं दूर होंदे। इस करके इस कथा का बड़ा महात्म है, बड़ा वड्डा पुन है। जो ये कथा सुनै अरगावै दुख पाप ते निकट ना आवे। जेड़े माई भाई सतगुरां दी इस कथा नू सुनदे ने, गायन करदे ने, उहनां दे नेड़े किसी भी प्रकार का दुख पाप कलेश नहीं आउंदा। आओ गुरदेव दी अमृतमई कथा सरवण करिए। कलगीधर पंथ दे बाली सतगुरु जी दे पवित्र चरणां दा ध्यान अपने हिरदयां च धारण करदे होए आखिए जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, दोहरा इमकेरा बड पर रेओ, लरे खालसा जाए। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब नू घेराबंदी है, और खालसा मौके मौके ते जदों समा मिलता है किले विच्चों बाहर निकल के मोर्चियां चों बाहर निकल के भी दुश्मनां नाल लड़दे हन। जे दुश्मन अगे वध के आउंदा है तां भी उहनां दा मुकाबला हुंदा, इदां जंग युद्ध दे जिहड़े दा पेच हुंदे ने उन्हां मुताबक जंग हो रहा है।
एक दिन त्यारी प्रभ करी बड रण जीत बजाए। कई बार कलगीधर जी भी नगारा बजा के जंग ते चढ़ दे। अज भी सतगुरां ने हुक्म किया नगारची नूं कहा कि नगारे ते चोभा मारो। दुश्मन की कुछ फौज नेड़े आ गई सी आनंदपुर साहब दे, उन्हां नूं रोकण वास्ते कलगीधर पातशाह ने नगारे ते चोभा मरवाइया और कमर कसे करके सतगुरु जी आप चढ़े हैं। चो पई उतते सकल गिरेश्वर चढ़े। उधरों पहाड़ी राजयां दी फौज, क्योंकि चारे पासे दुश्मन सी, एक दिशा जड़ी सी पहाड़ वाला पासा जड़ा सी आनंदपुर साहब दा, उस पासे पहाड़ी राजे बैठे सी दुश्मन दी फौज लैके। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਰੂ ਬਜੇ ਜਥਾ ਪੱਟ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੜਾ ਕੇ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਜਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਉਹ ਵਜਾ ਕੇ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਸਰਨਾਈ ਢੋਲ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਹਨ, ਤੁਰਰੀ ਨਾਦ ਨਗਾਰੇ ਬੋਲ, ਤੁਰਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਹਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਹੋਏ ਕੈ ਅਸਵਾਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਚੜਿਓ ਖਾਲਸਾ ਆਯੁਧ ਧਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਯੋਧੇ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜੈ ਗਿਰ ਪਤਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗੜ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਕਰੇ ਦੂਰ ਜੈ ਪਰੇ, ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਤ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਗੁਰ ਅਗਰ ਸਿਧਾਰੇ, ਉਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੁਫੰਗਨ ਕੇ ਕੜਕਾਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੜਕ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਜੁਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਮਝਾਰਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਲੜਨ ਲਈ। ਜੈ ਬਹੁ ਬਾਰੀ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਸਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਆਗੇ ਵਧਿਓ ਚਲਾਵਤ ਗੋਰੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦਾਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਣੀ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦੋਨੋ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਉਰ ਸਿਰ ਫੋਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀਏ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗਦੇ ਨੇ।
सिंह भी शहीदियां पाउण लगे ते बहुत सारे पहाड़िए भी मरण लगे। सब गिरपति टुके तब आई। उधरों पहाड़ियां ने सारियां ने व्योंत बंदी बनाई हुई सी, वह सारे इकट्ठे होके चढ़ के आ गए। लै लै निज सिपाही समुदाई। जिन्हें पहाड़ी राजे सन आपो अपनी सेना आपो अपने सिपाहियां दे जथे लैके आ गए। जब आपस में दै दल जुटे। जदों दोवां पास्यों आपस विच दल जुट गए। गोलकां लग लग अंगन फुटे। गोलियां वज वज के सूरमियां दे अंग टुट रहे हन, अंग भंग हो रहे हन। सनमुख होए नहीं मुख फेरे। सनमुख हो के अपना मुंह नहीं फेर दे, अपना मुंह नहीं मोड़ दे। बजियो सार सो सार बडेरे। लोहे ते लोहा बजदा है, लोहे ते लोहे दी मार हुंदी है। खोवन सिंगन को हंकार। महाराज जी ने वेख्या कि सिंह अगे ज्यादा वध के चले गए ने, ते असी इन्हां नूं वरजिया भी है, पर इन्हां अंदर हंकार दी बिरती आ गई है, सूखम होमै आ गई है। ये हंकार इन्हां दा दूर करना चाहिए, सिंघां दा होमै नूं दूर करना चाहिदा। ए कलगीधर जी ने विचारिया। गुरु मुरे तब जंग मझार। महाराज जी ने इशारा भी कीता, सिंघो वापस परताओ, पर वो नहीं परते। फिर पातशाह जी ने आप ही घोड़ा अपना फेर लिया। गुरदेव ने आप मुंह मोड़िया, आनंदपुर साहब नूं घोड़ा मोड़ लिया। पीछे काए सकिश्त पलाई। जदों महाराज जी ने घोड़ा मोड़िया ते उधरों पहाड़ियां दा जोर पै गया। इत्थों एक गल समझण विच आ जानी चाहीदी है कि खालसे विच गुरु साहब जी दी ही दृष्टि दी कला है, जिस कला दे नाल ओह लड़दे ने। जे किते पातशाह अपनी दृष्टि फेर लैंदे ने तां एकदम ओह शक्तिहीणे हो जांदे है। इस करके ये गल खालसे की सिमृति विच वसाणी सी गुरु साहब ने कि खालसे विच गुरु साहब जी की कला वरतदी है। गुरु साहब की कला वरतदी और जाहर कला पहला भी वरतदी रही है, हुण भी वरत रही है, तो अगे भी वरतेगी। ये कोई कला ही है ना कि हजारां की गिणती विच, हजारां की गिणती विच, लखां की गिणती विच बेअंत सिंह बेअंत फौजां पंजाब तो टुरियां, हरियाणे तो रले, होर सूबियां तो आए। उत्थे उन्हां दी सारियां दी व्यवस्था चल रही है, एक बड़ा सोहना सिस्टम चल रहा है। भावें कि सियाणे आगू हन उत्थे, पर नाल भावना वाले वेखदे ने कि उन्हां सारियां विच गुरु पातशाह दी कला वरत रही, सतगुरां दी दया वरत रही। यही सिद्धांत गुरु साहब ने खालसे नूं सिखाउणा सी। सिंह गए, पातशाह ने इशारा भी किया भी परत आओ, पर उन्हां अंदर यह सी कि पहाड़िए की सानू मारनगे। पातशाह ने घोड़ा मोड़ लिया। जदों गुरदेव ने घोड़ा मोड़िया ही सी, उसे वेले खालसे दे सिंघां दी हार होण लगी। हटे सकलई करत लड़ाई। हुण उन्हां नूं पिछे हटना पिया, जिहड़े पहलां नहीं सी हटे हुण मुड़े वापस, लड़ाई करदे करदे पिछे हटे। ज्यों सिंह हटते वधे पहाड़ी। उधरों जदों सिंह हटन लगे ते उधरों पहाड़िए सिरे चढ़ गए, वो अगे आके होर वधन लग पे। खालसे उत्ते सिंह पिछे हटन, वह उत्ते चढ़ के आउण लग पे। पर राबे शलखें बहु मारी। बथेरियां सिंघां बंदूकां दियां शलखां चलाईयां, गोलियां भर के उधरों पहाड़ियां दियां बंदूकां वध सन, उन्होंने भी शलखां दागियां। गुरबिन ठहरे कौन अगारी। हुण सतगुरां बिना किवें ठहरे, कौन ठहरे इन्हां पहाड़ियां दे सामने। जे गुरु पातशाह ने मुख मोड़ लिया सी तो सतगुरां तो बिना हुण खालसा किवें ठहरे दुश्मन दे सामने। मिले आन शत्रु गन पारी। बहुत सारे पहाड़िए रल के कट्ठे हो के सिंघां ते आण पए। भाजे सिंह तहां लगे आए। हुण उत्थे सिंघां नूं भाजड़ पै गई, क्योंकि वह बहुते सन, गिणती ज्यादा सी, सिंह थोड़े सन। तो आखिरकार कहिंदे जदों दुश्मन का जोर पिया तो सिंघां नूं भाजड़ पई। गुर को जै समाज समुदाय। पहला सतगुरां दे मोड़िया नहीं सी मुड़े, हुण अपने आप ही मुड़े आए।
जिथे कलगीधर पातशाह जी बैठे सारे समाज सिर ओथे आ गए ठहरे नहीं पैर विच जुद्दा जुद दे विच जंग दे मैदान च सिंघां दे पैर नहीं ठहरे परयो जोर गन रिप बो क्रुद्दा दुश्मन दा बहुत ज्यादा भारी जोर पै गया बड़े रोस ते रोह विच चढ़ के आए कितक तबेला सो लुट गए ओ हुण सिंघां दे कोल जिहड़े घोड़े सन घोड़े खोए गए कईआं दे कईआं दे घोड़े ओ सिपाही जिहड़े पहाड़ियां दे सन खो के लै गए धन पट आदिक शत्रुन लयो जे किसे कोल थोड़ी बहुती माया सी सिंघां कोल ओ भी खो के लै गए इस प्रकार नाल जे कोई कपड़ा बस्तर सी किसे कोल घोड़े ते पाया वह भी लै गए खरे पए ने सके हटाए थोड़ा बहुता समान नाल लै गए सी बाहर भी जे किते लड़ना पिया उत्थे बाहर छावनी पानी पई ते पा लवांगे वो जिन्ना समान सी सारा घोड़े कुछ कपड़े वगैरह जां कुछ होर माया दे थोड़े बहुते गफे सन सिंघां पास ओ पहाड़िए आके सारा कुछ खो के लै गए रहे सिंह बल अधिक लगाए कित्थों लै गए जिथे मोर्चा सी सिंघां दा मोर्चे दे विच्चों लै गए ते सिंघां दा बल उन्हां दुश्मनां ते नहीं चल सकिया सिख रोवें बो खरे पुकारें हुण मोर्चा भी तुरक पहाड़ियां ने मार लिया सिंघां नूं पिछे हट के आउणा पिया मोर्चे तो मोर्चा विच तां समान रखे ही हुंदा ना सिंघां ने अपने कपड़े राजसाज भी रखिया हुंदा उत्थे माया भी रखी हुंदी है उत्थे घोड़े भी बन्ने हुंदे उह लै गए पहाड़िए खोल के सिंह हुण वापस आए ते कलगीधर पातशाह जी दे कोल आ के कई सिंघां दीआं अखां भर आईआं बड होयो नुकसान उचारें महाराज जी नूं आ के कहण लगे सतगुरु जी बड़ा नुकसान होया सिंघां दा आप जी दे खालसे दा बड़ा वड्डा नुकसान होया श्री सतगुर अब जीते कैसे महाराज हुण असीं किवें जित्तांगे इन्हां नूं ये साडा बड़ा बड़ा नुकसान कर गए ने इतो समाज गयो लुटे ऐसे महाराज साडा इन्ना समाज सी मोर्चियां विच घोड़े सन कपड़े वगैरह सन माया भी पई हुई सी होर भी कुछ वस्तुआं पईआं सन महाराज वो पहाड़ी लुट के लै गए ने किम जीवें शर्मिंदत होए कै महाराज साडा तां मरण हो गया वी असीं अज तक हारे नहीं हुण सानू हारना पिया भी असीं इदां उह साडे मोर्चे विच्चों साडा राजसाज लुट के लै गए ने इदां शर्मिंदा हो के असीं महाराज जी हुण किवें जीवांगे गुर को कुछ न सके बचे कै सानू इस गल दी भी शर्म है भी इह जिहड़ा राजसाज सी सारा गुरु घर दा सी असीं गुरु घर दा राजसाज नहीं बचा सके गुरु घर दे घोड़े नहीं बचा सके सानू इस गल दी शर्म है इस शर्म नाल असीं किवें जीवांगे खरे होए पुन तजी तो पंगे असीं खलो के बथेरियां बंदूकां दीआं गोलियां मारियां दागियां भेदन के रिपन को अंगे दुश्मनां दे अंगां नूं भेदन लई उहनां दे अंग तोड़न लई मारन लई बथेरियां गोलियां चलाईयां गन वस्तु ले हटे पहाड़ी पर ओ पहाड़िए वध सन साडे मोर्चे चो आ के साडियां वस्तुआं लुट मार करके लै गए ने मोर्चन मैं कायम त्रित तारी महाराज असी मोर्चियां विच कायम रहे हौसला करके धीरज रख के उदे सिंह आदिक पट वीर भाई उदे सिंह आदिक जिन्ने तुहाडे सूरमे हन रण ते हट पहुंचे गुर तीर ओ सारे सिंह जंग दे विचों हट के वापस कलगीधर जी कोल आ गए कर जोरत अंधे सा तरे नाले हाथ जोड़दे ने नाले अंदेसा करदे महाराज होया की है समझ नहीं आई भी एदा हारने नहीं सी चाहिए असी तां अगे कई बारी जंग जितया तो पातशाह जी वेखदे सिंघां नूं नाले उहनां दी दशा भी वेखदे ने मूँह मलीन ने घोड़े जिहड़े खोए गए ने उहनां कोल मोर्चियां विच्चों आ के दुश्मन जिहड़ा उह राजसाज खो के लै गया घोड़े खो के लै गए कईआं दे हथियार खोए गए ने तो इस करके सिंघां दा मुख मलीन भी है भाई उदय सिंह होनी वह भी इन्हें जंग चो वापस आ गए
कलगीधर जी को आके अपने मन का अंदेसा रखते ने। बाक सुनावन पुन पुन करें, बार बार आके सतगुरु जी नू बचन सुनाउंदे हन। महाराज की हो गया, किवें बन गया? मचियो सबन में हाहाकार, सारे सिंघां च हाहाकार मची हुई है। लुट्टियो समाज महा बेशुमार, गुरु घर का समाज सी जेडे मोर्चियां विच कपड़े पए सन जां होर माया पई सी, होर घोड़े वगैरा सन, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵਸਤਰ ਤੁਰੰਗਮ ਆਦਿਕ ਵਸਤੂ, ਘੋੜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੁੱਟ ਗਈ ਸਮਸਤੂ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਗਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਤਰੂ ਪ੍ਰਬਲ ਗਏ ਲੈ ਕਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ, ਬਲਵਾਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਕੇ ਔਰ ਕੋ ਗੁਰ ਦੁੱਖ ਲਇਓ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਤ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਵੀ ਹਾਏ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ। ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਕਸ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਣੋ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੜਬਈ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਤਵ ਕਹਿਓ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅਵਨੀ ਪਰ ਦਿਓ ਐ ਚ ਲਕੀਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਨੇਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੋ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੀ ਹੋਏ ਅਲਪ ਗਹੀਰ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਡੂੰਘੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਮਾਨ ਬਚਨ ਖੈਚੀ ਗਨ ਰੇਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ, ਡੂੰਘੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ। ਖਰੇ ਸਮੀਪੀ ਭਿਖੇ ਅਸ਼ੇਖ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇਖ ਉਚਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਮੇਟ ਦੇ ਉਸਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਕੀਰਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਟ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਸਕਲ ਬਿਲੋਕਤ ਮੇਟੀ ਫੇਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ
वचन मन के सारिया के वेखद्या वेखद्या भाई आलम सिंह ने जड़िया लकीर खिंचिया सी जमीन ते वो मेट दित्तिया रही न को चित छोट बडेर छोटिया बड़िया जनिया लकीर खिंचिया सी कोई भी नहीं रही सारिया मिट गई तब सब सिंह बूझ बे करे सिंघा ने बड़ी हैरानी नाल वेख्या भी ये की वचन है समझ नहीं आई कलगीधर जी नूं पुछण लगे हरक शोक पी कुछ उर तरे महाराज जी ये की खेड सतगुरु जी कहण लगे सिंघो ये दसो भी जदों लकीरां खिंचियां ने खुशी होई सी जां फिर जदों मिटाइयां ने सोग होया हां जी किदों भयो ने देओ बताई जां फिर कुछ भी नहीं होया लकीरां खिंचण नाल जां मिटाण नाल कुछ भी नहीं होया जे खुशी हुई तां भी दसो लकीरां खिंचण नाल मिटाइयां ने तां गम होया तां दसो जां फिर कोई असर नहीं होया लकीरां खिंचण दा जां मिटाण दा तुहाडे ते कोई प्रभाव नहीं पिया रेख देख करके बिनसाई तुसीं ओह रेखावां वेखियां भी ने तुहाडे वेखदिआं वेखदिआं रेखावां मिटा भी दित्तियां ने तब कर जोर खालसे कहियो जदों सतगुरु जी ने इदां पुछिआ कि रेखावां नूं खिंचदिआं लकीरां खिंचदिआं तुहानूं खुशी होई है मिटाउंदिआं दुख होया जां कुछ भी नहीं होया तां खालसे ने हथ जोड़ के बेनती कीती रेख निकासी हरख न लैओ कहिंदे महाराज जदों इह लकीरां खिंचियां ने तां सानूं कोई खुशी नहीं होई भला लकीरां दे खिंचण नाल की खुशी होनी है मेट दई ने शोक उपावा इह जे मेट दित्तियां गईआं ने तां सानूं कोई शोक नहीं होया रिदा समान सबन लख पावा महाराज जी सारिआं दा हिरदा इक समान है सब ने जान सुन सिंगन ते गुरु बखाना सुन के कलगीधर पातशाह फिर बोले सिंघा नूं कहण लगे हरख न शोक जथा तुम जाना महाराज जी कहिंदे सिंघो जिवें तुसीं इह वेख्या ना लकीरां खिंचदे आं तां मिटाउंदे आं तुहानूं ना खुशी होई है ना सोग होया तथा गुरु को होए ना कोई इसे तरह गुरु दी विरती है जे गुरु घर विचों ए धन संपदा जेडे घोड़े वह खोए गए क्योंकि सिंघां नूं तां इस गल दा दुख सी ना भी असीं गुरु घर दा जेड़ा कुछ बचा नहीं सके लुट्टिया गया महाराज जी कहिंदे गुरु नूं इहदे जाण दा कोई दुख नहीं आया आउण दी खुशी नहीं गया है ते जान दा दुख भी नहीं है लकीरां दे खिंचण नाल जिवें कोई खुशी नहीं होई तुहानूं मिटाउण नाल कोई दुख नहीं होया इसे तरह गुरु क्या दी इह बिरती है कि आउंदिआं हरख नहीं ते जांदिआं सोग नहीं हान लाभ में सम रह जोई हानी ते लाभ विच जिहड़ा इक समान रहे लाभ ते हानी बड़ा औखा काम है हानि ते लाभ दोनों विच इक समान रहे संचे जाए पदार्थ सारे जे सारे पदार्थ इकट्ठे कर ले जान दर्ब आदि जे रतन उदारे धन रतन हीरे होर बहुत सारे गहने आदक गजबाजी जिन मोल बिसाले घोड़े हाथी जेडे बहु मुल्ले कीमती हुण ओह इकट्ठे कर ले जान मुक्ता हीरे ब्रिंद प्रवाले मोती हीरे परवाल शब्ज पन्ने एक कठे कर लैन इत्यादिक पिख अपनी जान ये सारिया चीजा वेख के भी ये साडे खजाने विच हन गुर को हरख ना होए हितमान उन्हां सारिया चीजा नूं वेख के गुरु नूं खुशी नहीं हुंदी भी मेरे कोल इन्ने रतन ने इन्ने हीरे ने इन्ने परवाल ने इन्ने हाथी ने इन्ने घोड़े ने ये सारा कुछ वेख के गुरु नूं कोई खुशी नहीं हुंदी लाखों को समाज दिपताई लखां दा समाज होवे नजर आउंदा होवे समा पाए हानि होए जाई मुड़ के समा पा के ओ सारा कुछ खत्म हो जाए सारे कुछ दा नुकसान हो जाए हानि हो जाए तो गुर के कुछ शोक ना होवे फिर गुरु नूं ओहदे जाण दा शोक भी नहीं हुंदा आखो सतनाम श्री वाहिगुरु उरे प्रैक्टिकल सी मेरे कलगीधर स्वामी दा
लखा रुपये का तो धन महाराज जी ने दरिया में ही रोड़ दिता। छड़ के आए सब कुछ आनंदपुर साहब के शाही महल ते माछीवाड़े के जंगलों च पुंजिया जमीन ते टेंड का सराणा लाई बैठे ने, उत्थे भी उही अवस्था है। ते जे सोने के पलंगे ते बैठे ने तो उत्थे भी उही अवस्था है। ये मेरे पातशाह जी अपने जीवन का तजर्बा दस रहे ने, जो मानते ने अपने अंदर। पातशाह कहते गुरु क्या पास इन्ना कुछ होवे, रतन हीरे मोती पूरी दुनिया की सारी जायदाद गुरु को आ जाए तो वेख के गुरु खुश नहीं हुंदा। चला जावे सब कुछ तो वेख के उसके हिरदे च सोग नहीं है। यह गुरु पातशाह की खेड है। नाशवंत पूरब ही जो है, क्योंकि गुरु तो पहला ही वेख लैंदा भी जो ओदे कोल आउंदा है कोई भी वस्तु आउंदी वेख लैंदा है तो नाशवान है। वह जदों कोई वस्तु आउंदी है वह पहला ही उसनू नाशवान वेखदा है, तो जो नाश हो जाए फिर तो वो कोई दुख है ही नहीं। वो तो पहला ही ये वेखी बैठा है भी ये नाशवान है, इन्हें खत्म हो जाना है। समचित सदा रहे आनंद, गुरु हमेशा समचित ते सदा आनंद च रहिंदा है। करे विखेप न द्वंद बिलंद, जिहड़ा ये द्वंद है लाभ ते हानि दा, राग ते द्वैष दा, गुरु दे मन नू ये आहत नहीं कर सकते। गुरु दे मन उत्ते इस द्वंद का कोई असर नहीं। भूत भविख अर वर्तमान, बीते हुए समय च भविख विच जाए वर्तमान दे समय विच होयो ना होवे है रहे समान, ना होया ना होवेगा ते ना हुण है, यानी कि तिन्ना कालां विच गुरु की अवस्था एको जी रहिंदी है। तिन्ना कालां विच हाँ जी दोहरा हरख सोग का देहोरा, खिन आवे खिन जाए। आ जेड़ा देहोरा ना देह शरीर हरख ते सोग दी देह, एदे च कोई चीज खिन मात्र आ रही है खिन मात्र जा रही है। जो जागे सो सुखी होए, सोए सो दुख पाए। पातशाह कहिंदे जिहड़ा इस द्योरे विच रह के जाग जांदा है और वो जान लैंदा है कि यह सब नाशवान ही है, वो अंदर हरख सोग की बिरती नहीं है, वह तो सुखी हो जाता है, पर जिहड़ा सुत्ता रहिंदा है वह सुत्ता होया मनुख फिर दुख ही पाउंदा है। वो कहिंदा आ गया तो खुशी, चला गया तो दुख, क्योंकि बहुत कुछ आउंदा रहिंदा ते जांदा रहिंदा, यही जीवन है मनुखी। जिहड़ा जाग पिया वह तो दुखी नहीं होवेगा, जिहड़ा सुत्ता रहा महाराज जी कहिंदे फिर वह दुखी रहेगा। नाम ते आवो शब्द को अर्थ विचारो नित, पातशाह कहिंदे गुरसिखो नाम ते आवो ते शब्द की कमाई करो, और शब्द जो गुरु साहब ने दिता है उहदे अर्थां दी विचार करो। गुरबानी सिखिया बिना तिना न सोंगी मित, महाराज जी कहिंदे गुरु की बाणी दी सिखिया तो बिना जिहड़ियां किसी ने मित्र नहीं होना। यह गल याद रखे, गुरु की बाणी द्वारा जिहड़ी सिखिया मिलनी यही साडी मित्र है, एदे तो बिना किसी ने मित नहीं होना। मल मल नाई कामणी खोड़स करे शिंगार, कोई कामणी स्त्री मल मल के नहा के अपने शरीर ते 16 प्रकार दे शिंगार कर लवे। खसम न पाई कहां फल सो शर्मिंदी नार, 16 प्रकार दे कीते हुए शिंगारा नू करके वो अपने पति दे सामने जावे ते पति नू पावे ही ना, ते कहिंदे फिर उहदे शिंगार किस काम दे, कहिंदे फिर उस नार नू शर्मिंदा होना पैंदा। इस करके गुरसिखो जे गुरबाणी दी सिख्या नू ग्रहण करके तुसी अपने हिरदे च नहीं वसाया उदा भावें बहुत सारे कर्म कांड करदे हो ते फिर गुरु नू नहीं भावोगे। गुरु नू तदे भावोगे जे गुरु की सिख्या नू कमाओगे। गुरु जो आया नाम तर लहरी लुभ की दूर, गुरु साहब जो आए हन
अपना नाम धारण करके शरीर लैके आए, शरीर का नाम लैके आए। जिहड़ियां ये लोभ दियां लहरां ने उस तो सतगुरु जी अपने सिख नूं दूर करन वाले हन। ते किहड़े सिख नूं दूर करदे हन? सोई सिख पाणा तरे गुर के सदा हजूर। उस सिख नूं लोभ दियां लहरां तों गुरु साहब बचाउंदे ने जिहड़ा सिख गुरु दे पाणे च रहिंदा, गुरु दे पाणे नूं सत करके मनदा, ओही गुरु के हजूर रहिंदा, वह सदा गुरु दे पास रहिंदा, वह सदा गुरु दे निकट वसदे हन। जो पई इम श्री सतगुर के सुन बैन। सतगुरु कलगीधर पातशाह जी दे बैन ए बचन जदों खालसे ने सुने, परचे सुख सो सिंह सो चैन। सारे सिंघां दे मनां नूं चैन मिल गया, शांति मिल। जिहड़े सिंघां दे मन च पहलां दुख सी वी इन्ना कुछ खोया गया, पातशाह कहिंदे भाई आए दी खुशी नहीं गए दा गम नहीं। खालसे ने यह बिरती रखनी, खालसे दी यह बिरती होनी चाहिए। गरीब नवाज पातशाह दे बचन सुन के सिंघां दे मनां नूं चैन मिल गया, जिहड़ी सूखम होमै आई भी सी हिरदे च ओ चली गई। खान पान कर जामन माई, इन्ने नूं रात पै गई, लंगर प्रशादा सारिया ने छकिया। सुपते के चित नाई, अद्धिया कने आराम कीता, अद्धे के जागदे रहे पहरे ते। पई प्रात सब सोच शनाने, अमृत वेला होया सब ने सोच शनान कीता। गुरबाणी बो पाठ बखाने, सिंह गुरबाणी पढ़ रहे ने, गुरबाणी दा पाठ सारे पासे सुनाई दिंदा है। अमृत वेले गुरबाणी दियां गूंजां पै रहियां, दिने जिथे बंदूकां दी कड़ा कड़ी हुंदी है, तलवारां नाल मार दिओ कट दिओ दी आवाज सुनाई दिंदी है, उत्थे अमृत वेले जपजी साहब दी बाणी दियां गूंजां पैंदियां, उत्थे अमृत वेले आसा जी दीवार दे कीर्तन दियां छैबरां हुंदियां, क्योंकि संत बिरती और सिपाही बिरती दोवें इत्थे कम कर रहियां हन। सूरज उदे गुरु टिग आए, लो लगी सिंह सारे इकट्ठे होके सतगुरां कोल आए। नै सिंघन के मुख बिकसाए, सिंघां दे चेहरे हले भी खिड़े होए नहीं सन, क्योंकि कदे हारे नहीं सी पहलां, अज तो पहलां कदे भज के नहीं सी आए जंग दे मैदान च। महाराज जी ने वेख्या मेरे पुत्रां दे चेहरे थोड़े जे मुरझाए होए ने, कलगीधर दे पुत ने सारे, पातशाह वेख्या हुण प्यो दा मन एक गुरु का मन है, जिथे गुरु का मन है वह दस दिता पिछे, गुरु का मन जिहड़ा वह की है, हरख सोग नहीं है, पर जदों प्यो का मन है तो प्यो अपने पुत के चेहरे ते नमोशी थोड़ी वेख सकता, प्यो नूं अपने पुत के चेहरे के उत्ते उदासी थोड़ी चंगी लगती है। जदों प्यो दे जज्बे नाल वेखते ने, वेख्या कि मेरे पुत्रां दे मेरे संघां दे चेहरियां दे उत्ते थोड़ा जिहा ना उदासी दी लहर है। एक तो शत्रु लूट ले गए, एक तो दुश्मन बहुत कुछ खो के लै गए सन कल। दुतीये पाज पराजे लए, दूजी हार दा सामना करना पिया, सिंह नूं पछंगा नूं भज के आउणा पिया। इन कारण ते लाज बिलोचन, सिंघां दीआं अखां दे विच लाज है, शर्म है, और चेहरे दे उत्ते उदासी है, चेहरे खिड़े नहीं हुए मेरे लालां दे। हृदय बिखे संचे बहु सोचन, महाराज जी सोचन लगे हिरदे विच, नै उत्साह किसी मैं दिखा, जिन्ने भी सिंह किसे च उत्साह नहीं पिया दिसदा किसे विच, क्योंकि सारियां दीआं बिरतियां थोड़ियां जीआं ठठियां जीआं होईआं महाराज जी ने वेखियां। घर के बिगड़े काज सरीखा, जिवें घर दे काम विगड़ जाण ते उदास होईदा ना, कोई अपने घर का काम विगड़ जाए तो उदासी होंगी, एदा उदास ने। पिख प्रसन्न कलगी तर पाए, महाराज जी वेख के ना सिंघां दे चेहरियां वल, पातशाह बोले प्रसन्न हो के बोले, प्रेम अपन मैं परखन कहे, देखिया भी मेरे सिंघां नूं मेरे प्रेम च रंगे हुए, इन्हां नूं इस गल का दुख नहीं भी घोड़े चले गए ने, इन्हां नूं इस गल का दुख नहीं कि हथियार, इन्हां नूं इस गल का दुख है भी गुरु पातशाह दे घोड़े सन, इन्हां नूं ये प्रेम है भी गुरु पातशाह दा सी राग साज गुरु घर दा सी, लुटिया गया खोया गया, इस गल दा दुख है
महाराज जी ने जदों इदां वेख्या अरपे सबन अगारी सीस सारिया ने मेरे अगे अपना सीस अर्पण किया होया इमलख दया करी जगदीश जगत ईश्वर सतगुरां ने इन्हां ते दया कीती फिर कयो अखिल सन तबे सुनाए गरीबन आवाज पातशाह जी बोले कड़कवी आवाज विच मेरा सिख सोई चित पाए महाराज जी कहंदे मेरा सिख ओही है मेरे चित नूं ओही पौंदा है चढ़े जंग को शस्त्र सुतारे जिहड़ा जंग दे मैदान नूं चढ़िया ही रहे हथ च शस्त्र पकड़ के मेरा ओही सिख है ओही मैनूं पौंदा है हते रिपन पग पाछ नडारे दुश्मना नू मार दिया मेरा सिंह अपना पैर पिछे ना हटावे शेर समान आप को माने जंग दे मैदान च जदों मेरा पुत खालसा खड़ा होवे सिंह खड़ा होवे दुश्मन दे सामने ते उदों उहदे अंदर बिरती होवे कि मैं बब्बर शेर हां कलियां वाले पातशाह दा उदों इह बिरती रखे जंग दे मैदान च हीण ना समझे जी असी तां कमजोर हाँ जी साढ़े कोल तलवार नहीं जी ए महाराज जी कहिंदे जदों मेरा सिंह जंग दे मैदान च खड़ा होवे उदों अपने आप नूं शेर समझे ते ओह भी कोई सधारण शेर नहीं ए समझे मैं बाजां वाले कलगीधर दा शेर पुत्र हाँ हाँ जी हेर शत्रु को रिस मन ठाने और दुश्मन नु वेख के रो चढ़ जे जंग दे मैदान च बीरस आ जावे नहीं दीनता अंगीकार दीन पुणा नहीं अंगीकार करना खालसे ने दीन पुणा हीन भाव जेड़ा हुंदा है जंग दे मैदान च अक्सर कई सूरमियां नु आ जांदा है कहदे ओ नहीं हिरदे च रखना जै लग बल पहुंचे तै मारे जिथे तक बल लगे उथे तक दुश्मन नु मारना हिम्मत को हमायती हरे कहंदे जेड़े हिम्मती हुंदे ने उन्हां हिम्मतियां दी मदद हरी भी करदा है हिम्मते मर्दा मदद खुदा हिम्मती पुरुषां दी मदद खुदा करदा है जित कहोए उत्साहत करें और जिधर जाना है उत्साह नाल जाना है चढ़ो खालसा पलटा लीजे पातशाह कहंदे खालसा जी क्यों उदास हो कल दी नमोशी आप हाले भी तुहाडे मन विच है चलो फिर ये नमोशियां दूर कर दिओ चलो जंग दे मैदान विच जिहड़ी भाजी उह कल पा के गए ने पहाड़िए अज दुगनी करके मोड़ दो अज केड़ा समा लंघ गया हले केड़ा बेड़ा चला गया पातशाह वेख्या मेरे सिंघां दा मन उत्साह जिहड़ा उह टैंदा जिहा होया प्रतीत हो रहा महाराज जी कहिंदे हले नहीं कुझ गया तुहाडे हत्थां च शस्त्र ने तुसीं सूरमे हो योधे हो पातशाह कहिंदे चलो खालसा जी चढ़ के जंग दे मैदान च अपना पलटा लै लवो दुष्ट अरिष्टन को हद की जय दुष्ट अरिष्टा नु मार मुकाओ इम सिंगन को कर होशियार सिंगा नु पातशाह होशियार कीता तत छिन प्रभ जी ओए असवार आओ खालसा जी असी नाल चलदे आ गुरुदेव घोड़े ते सवार होए नीले ते संग खालसा निखल चढ़ायो ओही खालसा जेड़ा कल चढ़िया सी अज फिर उहनां नु नाल लैके चढ़े ने जंग गिरेशन संग मचायो अज सिंघां च इहो जी स्पिरिट भरी आ बिरती अपने नेत्रां दी कृपा दृष्टि नाल जंग दे मैदान च पहाड़ियां नाल भारी जंग कीता निज निज मोर्चन तुरकन चमूगन उधर दुश्मनां दे तुरकां दी फौज आपो अपने मोर्चियां विच है थिरे सुचेत होए पै धर मन उत्थे सुचेत हो के बैठे रे पहाड़ियां दी मदद वास्ते नहीं आए तिमई सिंह समुख तिन थिरे और इसे तरह दुश्मनां दे सामने सिंह भी उधर तुरकां वाले पासे जेड़े मोर्चे सी थिर रहे तैयारी तुपकन की कर तरे बंदूकां तैयार करके रखियां होईयां जित तिश मैं सब परे पहाड़ी जेड़े पासे पहाड़िए सन बस उस पासे जंग होया तित को गई प्रभु असवारी कलगीधर जी दी सवारी उसे पासे गई ज्वाला बमणी छोरन करी जदों ज्वाला बमणियां बंदूकां चलाईयां बौर बरूदर गोरी परी दोबारा फिर बरूद ते गोलियां भरियां उतते बाजे बृंद नगारे उधरों पहाड़ियां दे कई नगारे सनद बद जोधा बल पारे उन्हां दे योधे भी बड़े सनद ओ हौसला वधाई बैठे सी कल हराया सी इन्हां नूं अज फिर हरा देंगे
उन्हां अंदर हौसला, पर यह नहीं सी पता भी कल गल होर सी, अज होर ही बनी हुई है। हाँ जी, संख नारी चंद जुटे दो ए पासे परी मार नाशे, दो पासे जुट गए सूर में फिर भयानक मार मची जंग लगा। गुरु तीर दे के अगे सिंह कह के, सतगुरु जी हौसला दे के सिंघां नूं अगे करदे हन। लड़ाई मचाई तो पंगे चलाई, लड़ाई मची ते बंदूकां दीआं गोलियां दगियां। फुटे मुंड छाती परे प्राण हाती, बहुतियां दीआं मुंडियां टुट गईयां, बहुतियां दीआं छातियां तोड़ दित्तियां गोलियां मार के। गुरु ओज पाए गए सिंह ताए, सतगुरां दा बल पा के सिंह जिवें शेर अपने शिकार ते पैंदा इदां गए। बटेरा दिसावे जथा बाज जावे, जां इस तरां कह लईए इदां टुट के पए पहाड़ियां ते सिंह जिवें बटेरे नूं वेख के बाज नहीं पैंदा झपट मार के, बटेरे नूं वेख के जिवें बाज झपट मारदा इदां खालसे ने झपट मारी। छुदा शेर होए जथा मृग जोए, जिवें कई दिनां दा भुखा शेर हिरन नूं वेख के उहदे ते झपट मारदा। करियो ओज हल्ला नहीं काहू चला, इहो जे बल नाल हल्ला कीता खालसे ने भी हुण दुश्मन कोलों चलिया नहीं जांदा। परे मोर चा मैं दए काट ता मैं, पहाड़ियां दे मोर्चियां विच जा के उहनां नूं वढ़िया कट्टिया। पलाए पहाड़ी तजी तीर पारी, पहाड़िए मोर्चा छड़ के भज गए हौसला हार गए। करा चोल चाले ना जाई संभाले, जदों सिंघां दी तलवार चली पहाड़ियां कोलो संभाली नहीं जांदी। बड़े वीर बंके लारे जो निशंक, बड़े वीर बंके सिंह योधे जंग दे मैदान च निशंक होके लड़दे ने। सो काले ओ कमंडा पाए खंड खंडा, बड़ा भयानक कमंड कमासान जंग होया, दुश्मन नु खंडा खंडा यानी कि टुकड़ा टुकड़ा कर दिता। फतेह पाए जुद्दा हटे सिंह सुद्दा, गुरु पातशाह दी कृपा नाल सिंघां ने पहाड़ियां नु भजा के मोर्चे ते कब्जा करके उहदे ते जित प्राप्त कर ले, और जित प्राप्त करके जिहड़े लुट के लै गए सन उहनां नाल दुगणा घोड़े होर जिन्ने उह लै गए उहनां नाल दुगणे घोड़े पहाड़ियां दे खालसे ने खोए उहनां कोलों, और इस प्रकार नाल फतेह गजाउंदिआं खालसा वापस परतिआ। महामोद कायो विजय को बजायो, बड़ी खुशी खालसे दे चेहरे जिहड़े मुरझाए होए खेड़ियां नाल खेड़ गए, और जित दे नाद बजाउंदे आउंदे ने। बड़ो नाद होवा गुरु दर्स जोआ, आके खिड़िया चेहरिया नाल कलगी धर दे दर्शन कीते। महाराज जी वेख्या मेरे पुत खिड़ गए ने, जेहड़े चेहरिया ते नमोशी सी कुछ समा पहला उन्हां चेहरिया ते हुण खुशियां सन, लालियां दग दग कर दियां। महाराज जी कहिंदे खालसा जी इसे तरह जंग दे मैदान च फतेह पाओगे। गरीब नवाज पातशाह वापस किले विच परते ने। दयानिध स्वामी गरीब नवाज पातशाह जी महाराज जी का पावन पवित्र इतिहास कथन करदियां होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा अरदास करनी कि अगां वास्ते सतगुरु जी सदबुद्धि ते समत प्रदान करन। नानकसर कुटिया त्रिपड़ी विखे जो गुरभगती शब्द जाप के समागम चल रहे ने, उन्हां समागमां विच अज रात दे जिहड़े कीर्तन समागम हन तकरीबन 6:30 to 9 तक ज्ञानी मनजीत सिंह जी हजूरी कथावाचक नौवें पातशाह जी दे पावन दरबार चों बाबा बकाला साहब तों ओह हाजरी भरनगे। इसे तरह रागी भाई बलजीत सिंह जी हाजरी भरनगे। कल दा जिहड़ा समागम है, कल दे रात दे समागमां विच ज्ञानी चरणजीत सिंह जी हजूरी कथावाचक नाढ़ा साहिब पातशाही दसवीं दे कलगीधर जी दे पावन स्थान तो आउणगे, और इसे तरह भाई रागी भाई गुरजंट सिंह जी हजूरी रागी गुरद्वारा दुख निवारण साहब कल दे समागमां च हाजरियां भरनगे। आप जी कथा कीर्तन दे नाल समागमां विच हाजरियां भर के गुरु जस सरवण करो जी। वाहिगुरु वाहे गुरु,
वाहे गुरु 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी।